नाउ अब यहां पर क्या, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? तो यहां पे क्या बताया गया है, यहां पे एक जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन जो यहां पे दे रखा है, ठीक है, वो ये दे रखा है कि या तो भाई अगर मान लो 100 लोग हैं तो 100 के 100 बैठे, ठीक है, और एक डिसीजन ले ले, ठीक है। लेकिन अब ये 100 लोग, ना इतना टाइम होगा, ना तो हमारे पास इतना टाइम है आज के टाइम पे कि हम अपना पूरा टाइम दे सकें डिसीजन लेने के लिए, ना ही हम सबके पास में इतनी नॉलेज होगी। 100 के 100 जरूरी नहीं कि सबके पास में इतनी नॉलेज हो कि वो एक हेल्दी डिसीजन ले पाए, एक सही निर्णय ले पाए, ठीक है ना। दूसरा कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि भाई हम ये सब कुछ कर पाए। अच्छा ठीक है, ये काम तो पॉसिबल नहीं है, चलो दूसरा काम करते हैं कि हम किसी ऐसे बंदे को चुन लेते हैं जिसके पास में एक्सपीरियंस बहुत है और जिसकी उम्र 80-90 साल है। अब जरूरी नहीं है जिसको हम चुने वो 80-90 साल वाला वो एक अच्छा क्या हो, लीडर हो, ठीक है। पॉसिबल नहीं है ना कि वो अगर उसकी एज ज्यादा है तो वो लीडर अच्छा लीडर भी होगा, ठीक है। ये भी नहीं है, चलो तीसरा करते हैं। थर्ड क्या है कि हम सपोज कीजिए, चलो भाई इसके पास एज नहीं है लेकिन उस पास नॉलेज बहुत है, लेकिन अच्छी नॉलेज तो मोहम्मद बिन तुगलक के पास में भी थी लेकिन उसको एक अच्छा लीडर नहीं बोल सकते, और अकबर के पास में बेसिक नॉलेज भी नहीं थी लेकिन वो एक बहुत अच्छा लीडर था, महानों में गिनती होती उसकी, ठीक है। तो इसीलिए एजुकेशन वाला भी या लीडर नॉलेज वाला भी फैक्टर हट जाएगा। तो अब क्या किया जाए? सी हम उसी को चुनेंगे जो एक अच्छा लीडर बन सकता है, ठीक है, जो हमारी प्रॉब्लम्स को सामने रख सकता है, ऐसे लोगों के लिए हम अपने में से चुनते हैं, और उसी चुनाव को, ऐसे इंसान के चुनाव को जो हमें रिप्रेजेंट कर सके, जो हमारी प्रॉब्लम्स को आगे लेके जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन बोलते हैं। और वो बंदा कौन कहलाएगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका ये, इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक चॉइसेस, दे कैन चूज हु विल मेक द लॉज, हमारे लिए कानून कौन बनाएगा, क्योंकि जितने भी ये एमपीज एंड एमएलए होते हैं किसका पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर का। एंड लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, टू मेक लॉज। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, कानून बनाना, ठीक है। दूसरा, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। अब जिसको हम चुनेंगे अपने बिहाफ पे, हमने उसको क्यों चुना है, ताकि वो हमें रिप्रेजेंट कर सके, वो हमारे बटली या हमारे बिहाफ पर क्या कर सके, निर्णय ले सके, ठीक है ना। सो टू मेक मेजर डिसीजंस एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट, दे कैन चूज द पार्टी पॉलिसीज हु विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। अभी हर पार्टी के अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, तो वो लोग चुन सकते हैं कि भाई मुझे कौन सी पॉलिसीज के जहाँ जाना है, या फिर मुझे किस को, जैसे पॉलिसी क्या, आयुष्मान भारत पॉलिसी हुई, उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड वाला पॉलिसी हुआ, ठीक है ना। ये सब पॉलिसीज हुई, सुकन्या पॉलिसी है, ठीक है। ऐसी पॉलिसीज जो लोगों के फेवरेबल हो, लोग उसी के, और लॉ मेकिंग में जो हेल्पफुल हो, उसी को क्या करेंगे, हम वोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, जहां पर लोगों की पावर हो। तो एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जाता है? सी हमने हिस्ट्री के चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि वहां पर दो प्रकार के सिटीजन हुआ करते थे, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव कौन थे, जो 25 से ऊपर हो और जो टैक्स पे करते हो, ठीक है, और उन्हीं को राइट किसका था, राइट टू वोट। पैसिव कौन है, विमेन एंड अदर्स, अदर्स में चिल्ड्रन आ जाएंगे जो 25 से कम के, और बाकी जो टैक्स पे नहीं करते। तो क्या इसको हम एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोल लेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी क्या होता है, सभी लोग हों जिसमें, लेकिन यहाँ पे सभी लोग नहीं है, ठीक है। तो इंडिया में ऐसा क्या है जो हमारे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है, ठीक है। तो इस वाले पैराग्राफ में फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट है आपका, फर्स्ट, एवरी वन शुड बी एबल टू चूज, दिस मीन दैट एवरी वन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव वन वैल्यू। किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए जो मेन चीज है वो क्या है, कि सभी के पास में किसका राइट हो, राइट टू वोट हो, और इनके वोट की वैल्यू क्या हो, वन हो, और सभी के वोट की काउंटिंग में क्या हो, वन, मतलब हर पर्सन के पास में एक वोट हो और उस एक वोट की एक वैल्यू हो, ये नहीं कि बस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड,
There should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choices to the voter. Now suppose कीजिए एक ही पार्टी है, जैसे चाइना का एग्जाम्पल लें, चाइना में सिर्फ एक पार्टी सिस्टम है, उसी में से लोग चुने जाते हैं बार बार, जो वहां का प्रीमियर होता है, प्रीमियर यानी कि वहां पे जो हाईएस्ट पोजिशन होल्डर होगा, ठीक है, सो वो एक ही एक पार्टी में से आ रहा है, एक ही एक पार्टी में चुने जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे लोगों के पास में चॉइसेस हुई? नहीं हुई। सो जहां पर लोगों के पास में चॉइसेस हो, सपोज कीजिए हमारे पास पांच पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, तो इनके पांच ही क्या होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, और इन पांच कैंडिडेट्स के लिए हम हमारे पास क्या होंगी, पांच ही चॉइस होंगे, ठीक है, पांच पॉलिटिकल पार्टीज, उनके पांच कैंडिडेट्स, हमारे पास कितनी चॉइसेस, पांच ही, यानी कि हम इन पांचों में से किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी आजाद हैं कि वो किसी को भी खड़ा करो, ठीक है, और हमारे पास भी चॉइस है कि हम इनमें से किसी को भी वोट कर सके, तभी जाकर के कोई इलेक्शन लोकतांत्रिक होता है, कोई तानाशाही नहीं होगी कि भाई आपको इसी के लिए वोट करना है, नहीं, हमारे पास क्या है, चॉइस है। उसके बाद में थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। सी बहुत सी ऐसी कंट्रीज है आज के टाइम पे भी, मेस्ट सबसे जो एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है दैट इज ऑफ रशिया। रशिया में व्लादिमीर पुतिन ने एक बिल पास करवाया जिसमें वो 2036 तक वहां का प्रेसिडेंट बन गया, तो क्या अब ये डेमोक्रेटिक कहलाएगा? अब कुछ लोग होंगे जो उसको पसंद नहीं करते, लेकिन भाई उसने तो कानून बना दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। इंडिया का इलेक्शन डेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि हमें हर 5 साल के लिए हम किसी को भी चूज करते हैं, 5 साल बाद जैसे हमारे पास यहाँ पे चॉइस होती थी ना, तो 5 साल बाद हमारे पास फिर से चॉइसेस आएंगे कि हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, तो हर 5 साल में जो इलेक्शंस होते हैं उनको क्या नाम दिया गया है, जनरल इलेक्शन। और सपोज कीजिए किसी कंडीशन में ये कुछ दुर्घटना हो जाती है और किसी मिनिस्टर की मौत हो जाती है, किसी एमपी की मौत हो जाती है, तो उसकी जगह पर जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं उसको बोलते हैं बाय इलेक्शंस। यहाँ पे याद रखिएगा, अगर 5 साल पूरे होने में 6 महीने से कम का वक्त है और किसी की मौत हो जाती है, तो उसके लिए इलेक्शंस बाय इलेक्शंस नहीं करवाए जाते हैं। ओके, फोर्थ, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। अभी मान लो लोगों ने, पांच लोग हैं, पांच में, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, वन को वोट मिले हैं 18, टू को वोट मिले हैं 20, थ्री को वोट मिले हैं 20, फोर को वोट मिले हैं 20, फाइव को वोट मिले हैं 22, ठीक है, क्लियरली जीत कौन रहा है यहाँ पे, फाइव, लेकिन मैं गद्दी पर बैठा दूँ 18 वाले को, तो क्या ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ? नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने गलत किया है, मैं यानी कि जितने लोगों जिन्होंने 5 के लिए वोट दिया, उन सबके वोट्स क्या हो गए, वेस्ट हो गए, ठीक है, उनके साथ में अन्याय हुआ है। तो इंडिया में ऐसा नहीं होता, डेमोक्रेटिक इलेक्शन तभी पॉसिबल है जब आप सभी को क्या, जो जिसको जनता ने वोट देकर चुना है, हाईएस्ट वोट देकर, उसी को आप क्या बनाए, रिप्रेजेंटेटिव बनाए। ओके, फिफ्थ, द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। लोगों के ऊपर किसी को थोपा ना जाए, उनके पास में चॉइसेस होनी चाहिए कि वो जिसे चाहे उसे चुन सकते हैं, और वो भी बिना किसी दबाव के, कि कोई किसी को लट दिखा करके जोर दिखाए या किसी को पैसे लालच दे करके जोर दिखाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी कोई इलेक्शन क्या कहलाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और या डेमोक्रेटिक कहलाएगा। तो ये पांचों पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हो सकता है हाउ आर डेमोक्रेटिक इलेक्शन आर कंडक्टेड, तो उसमें ये आंसर आएगा। इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? ओके, नाउ इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन होना अच्छी बात है? नहीं। सी बेसिकली वैसे तो ये चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है, लेकिन कि ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज
डीमेरिट या ड्रॉबैक है पॉलिटिक्स में कंपटीशन। कंपटीशन कब होता है? जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तभी कंपटीशन होगा। ठीक है, आपने अगर वो मूवी देखी हो डिक्टेटर, एक मतलब कि हॉलीवुड मूवी है डिक्टेटर, तो उसमें वो अकेला ही रेस में खुद ही मतलब गोली चलाएगा, फिर खुद ही भाग रहा है, फिर खुद ही अपने आप को मेडल पहना रहा है। ये कॉम्पिटिशन नहीं है। कॉम्पिटिशन तब होता है जब आपके साथ में उसी सेम रेस के लिए लोग खड़े हों और आप उनमें से जीतते हैं। ठीक है, तो क्या पॉलिटिक्स में कंपटीशन जरूरी है क्या? सी, इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक है इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। यू हैव हर्ड ऑफ कंप्लेनिंग, पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकैलिटी। सपोज कीजिए दो पार्टीज है, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो होता क्या है, ये लोग आपस में ही अपनी आइडियोलॉजी की वजह से लड़ना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से। यानी कि समाज में एक प्रकार से बंटवारा हो गया है, किसको लेकर के, पार्टीज को लेकर, पार्टीज की पॉलिटिक्स को लेकर के। कोई कांग्रेस को मानने वाला है तो वो बीजेपी की बुराई करेगा, बीजेपी को मानने वाला कांग्रेस की बुराई करेगा, जिससे क्या होता है समाज में एक डिवीजन पैदा हो जाता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके सिर्फ और सिर्फ ड्रॉबैक्स ही है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उनको ये बात पहले से अच्छे से पता थी कि ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी ये काम किया। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि हमें एक ऐसा लीडर मिले, ठीक है, उनको एक ऐसा लीडर चाहिए था जिसको अपने कैरियर की चिंता हो या फिर जिसको पावर में रहने की चिंता हो। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो समाज के लिए काम करेंगे। अभी यहां पे क्या है, कंपटीशन हो रहा है, और कंपटीशन में जीतेगा कौन, जो या ज्यादा मेहनत करेगा। ठीक है, और यहां पे भी सेम काम है। पहला काम क्या है, जिसको पावर में रहना है, यानी कि जो अगर एक बार एमपी बन गया तो उसको दोबारा एमपी बनना है, और दोबारा उसको एमपी बनाने वाला कौन होगा, पीपल, लोग। और लोग उसको दोबारा एमपी कब बनाएंगे, जब वो लोगों के क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो ना चाहते हुए भी, भले ये ना चाहे, लेकिन ना चाहते हुए भी इसको क्या करना, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको वापस किस में आना है, पावर में आना है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, किसी को मान लो कोई अभी एमएलए है, एमएलए क्या चाहेगा, मैं क्या बनूं, एमपी, एमपी क्या चाहेगा, मैं क्या बनूं, पीएम। तो वो क्या हो रहा है, अपना प्रमोशन या कैरियर बना रहा है। ठीक है, तो जो अगर इसको एमएलए से एमपी बनना है तो इसको लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। लोगों का दिल जीतने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको उनके लिए काम करना पड़ेगा। इसीलिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, नाउ हेयर आप ये फोटो देखिए, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं, ये बोल रहा है मेरे पास वोट है। ये शायद उस मूवी से लिया हुआ है, दीवार मूवी से, जिसमें बोलता है ना कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, आराम, तुम्हारे पास क्या है, तो बोलते मेरे पास माँ है। तो सेम काम है कि इसके पास में क्या है, इसके पास में वोट है। अभी ये इंसान गरीब है, ये अमीर दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसने इसको उल्टा पकड़ा हुआ है। क्योंकि अगर ये चाहे, मान लो ये 5 साल के लिए आया और इसने कुछ भी काम नहीं किया, तो अगले 5 साल भी ये इसके पास क्या लेने आएगा, वोट। और अगर ये चाहे तो इसको वोट ना दे करके इसको क्या कर सकता है, हरा सकता है। ये पावर होती है कॉमन आदमी की। ठीक है, तो अगर सभी लोग एक हो जाए ना, तो किसी को भी हराया जा सकता है, ये कॉमन आदमी पावर है। नाउ इलेक्टोरल, व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। ठीक है, सी इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एन एंड। द लोकसभा और विधानसभा आर डिसॉल्व, इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, आइदर इन द सेम डे और विद इन फ्यू डेज। नाउ यहाँ पे होता है क्या, इलेक्शन में, भारत में इलेक्शन कैसे होते हैं कि हम लोकसभा के लिए और विधानसभा, इनके लिए क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं। ठीक है, अभी लोकसभा की हमारी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, वैसे एक्चुअल में स्ट्रेंथ होती है 552, लेकिन हमारे पास में जो बाकी की कैंडिडेट्स
केंद्र शासित प्रदेश है या यूनियन टेरिटरीज है उनके अंदर इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि वहां से किसी हम किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुना जा सके, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास जो करंट एक्चुअल प्रेजेंट जो पॉपुलेशन या इलेक्टेड मेंबर्स की स्ट्रेंथ है लोकसभा के अंदर, दैट इज 543 ओवर प्लस 2 इज इक्वल टू 545। ये जो 2 है ये नॉमिनेटेड लोग होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज से। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? जिनके आइदर मदर मदर और फादर लिव्ड और बिलोंग टू इंग्लिश डिसेंट, ठीक है, अंग्रेजों के उसमें बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो उनको चुना जाता है। नाउ तो इनके लिए जो इलेक्शन, अब इनके लिए 543 के लिए क्या होंगे? इलेक्शंस होंगे, ठीक है। इनके लिए जो 5 साल में इलेक्शन होता है उसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। और सपोज कीजिए भगवान ना करे किसी का कुछ बुरा हो जाए और वो मर जाए, लेकिन मरे कब? जब इसके 5 साल पूरे होने में 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो, ठीक है। जब इसमें 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो तब उनके लिए क्या करवाए जाते हैं? इलेक्शंस करवाए जाते हैं। और उन इलेक्शंस को हम नाम क्या देते हैं? बाय इलेक्शंस। ओके, नाउ विधानसभा, विधानसभा में हम एमएलए क्यों चुनते हैं? अब यहां पे 543 है, यहां पे ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 200, जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। तो ये नंबर कहां से आ रहे हैं? ये 543 ही क्यों आया पूरे भारत में से, और ये 200 ही क्यों आया? इसका जवाब है कि पूरे भारत को, ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका ये भारत है। सो इस पूरे भारत को अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उनकी जनसंख्या के आधार पर। और इन अलग अलग पार्ट्स को क्या नाम दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, सो ये अलग अलग पार्ट्स क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाता कौन है? इनको बनाया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। ये एडिशनल पॉइंट्स हैं, ये आप लिख लीजिएगा। ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी बड़ी होगी या फिर किस एरिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए? ये डिसाइड करता है डिलिमिटेशन कमीशन। ओके, सो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। जैसे हरियाणा का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था पहले, तो वहां पर हमने एक नंबर देखा था 90। तो ये 90 कहां से आया? क्योंकि हरियाणा को 90 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा हुआ है, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, फॉर लोकसभा ये हमने अभी देख लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इसका कर्नाटका का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। सो कर्नाटका में हमें क्या देखना है? गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो यहां से हमने एक डिस्ट्रिक्ट ली, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट का अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट विशेष के लिए, जैसे गुलबर्गा ये है, बिदार ये है, बीजापुर ये है, बगलकोट ये है, बेलगांव ये है, ठीक है, तो यहां से कौन चुना जाएगा? एमपी। जैसे अलवर है, अलवर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो अलवर से कौन चुना जा रहा है? एमपी। लेकिन वहीं वहीं अगर एक डिस्ट्रिक्ट में से चुने जाते हैं तो वो चुने जाते हैं एमएलएज, ठीक है। वो कौन चुने जाएंगे? एमएलएज। नाउ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्व्ड मतलब क्या होता है? जो बचा कर रखी जाती है। रिजर्व्ड मतलब क्या होता है? बचा कर रखी जाती है। अभी ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बचाकर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रखी जाती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नाउ ये होता क्या है? सी, ये जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं ये बेसिकली होती हैं एससी एंड एसटीज के लिए। रीजन बीइंग कि एससी और एसटी कम्युनिटीज के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर रखा जाता है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत में ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन होता था, और आज भी काफी जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि जो दलित लोग हैं, ठीक है ना, माफ कीजिए अगर वर्ड यूज कर रहा हूं तो किसी को बुरा लगे, जो दलित या एससी कम्युनिटी से एसटी कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, ठीक है, इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना पहले मिला था और आज भी ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इक्वालिटी के लिए। इनकी जो मेजर लड़ाई है वो है किस चीज के लिए? कि इनको बराबरी मिलनी चाहिए, ठीक है, और ये चीज इनको पहले नहीं मिली थी और आज भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो उस चीज के लिए क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने? क्या किया? कुछ सीट्स, ठीक है ना,
कुछ सीट्स इनके लिए क्या कर दी, सेफ कर दी या सेव कर दी, कि उन सीट्स पर कौन इलेक्शन लड़ सकता है, सिर्फ ये एससी एसटी कम्युनिटीज के लोग लड़ सकते हैं। इसीलिए ऐसी सीटें जो कि सिर्फ एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए सेव की गई हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, तो ये हो जाएंगी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हाउएवर 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वीमेन कैंडिडेट्स। ठीक है, सो एक तिहाई किसके लिए बचा ली हमने, एक तिहाई हमने बचा रखी हर जगह, ये हर जगह होता है, ये हर सीट से मिलेगा, कि 1/3 तो किसके लिए है, विमेन के लिए, ताकि विमेन को भी क्या मिले, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। तो रिजर्व में कौन कौन आ गए, विमेन आ गई, एससी एसटी आ गई। ओबीसी वालों का क्या होता है कि रिजर्व तो होती है लेकिन वो डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे इन मैनी पंचायत सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसपैलिटी कॉर्पोरेशन लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट एज वेल। यानी एस सी एस टी नहीं, ओबीसी के लिए भी, लेकिन ओबीसी के लिए कहाँ, रूरल पंचायत में, म्यूनसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन में, इन सब में, ठीक है। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ओके, इन एस सी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर द इलेक्शन। Similarly, only those belonging to the ST communities can contest election from a constituency reserved for ST. ठीक है, इनके लिए टोटल कितनी है, करंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो ये आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ कम्स वोटर्स लिस्ट। सो वोटर्स लिस्ट क्या होता है, जैसे ही कोई इंसान, एज सून समवन रीचेस 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है ना, उनका एक पहचान पत्र बन जाता है, उनका वोटर आईडी में नाम जुड़ जाता है। तो ये वोटर्स लिस्ट क्या है, वोटर्स लिस्ट आपकी क्या है, एक पहचान है कि ये इंसान अब क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, आप वोटिंग के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। ये जो, और एक फैक्ट है कि ये 18 साल ही क्यों है, सो हुआ क्या था, बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट In 1989, ठीक है, the voting age was reduced from 21 to 18, यानी कि 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत क्या किया गया था, जो वोट देने की आयु है उसको 21 से घटा करके 18 कर दिया गया था। ठीक है, तो अब 18 साल का कोई भी युवा क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। नाउ वोटर्स लिस्ट को दूसरा नाम क्या दिया गया है, इलेक्टोरल लिस्ट। ओके, और वोटर्स लिस्ट क्या है, द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन इज गिवन टू एवरीवन। नाउ It's an important step for its link to the first condition of the democratic election. Everyone should get equal. अभी voters list क्यों बनाई जाती है? क्यों? क्योंकि सभी को क्या मिलना चाहिए? Equal opportunity to choose representative. ठीक है? और ये किस कौन से principle के आधार पे है? On the principle of universal adult franchise. यानी कि universal adult franchise के तहत क्या बोला गया था? कि किसी भी इंसान को आप वोट देने से नहीं रोक सकते। ठीक है, no one can be denied of the right to vote without a good reason. लेकिन किसी को रोकने के लिए रीजन होना चाहिए जिससे आप उसको रोकेंगे। ठीक है, reasons में हम आगे के उसमें पढ़ेंगे कि reason कौन-कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, some criminals and persons with unsound mind, ये मैप देख लीजिए, आपको इसमें पूरा पता चल जाएगा कि कौन-कौन वो जनरल के लिए कितनी सीट्स हैं, 412, एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47। ठीक है, अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड राइट टू वोट बट ओनली इन रेयर सिचुएशन। ऐसा कोई इंसान जो आदतन अपराधी है, या फिर ऐसा कोई इंसान जिसका अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड मीन्स वो दिमागी रूप से बीमार या फिर पागल है, ऐसे लोगों को ही गुड रीजन के साथ में वोट देने से रोका जा सकता है। ठीक है, नाउ जैसे आप 18 साल के पहुंचते हैं, आपका नाम जुड़ जाएगा किसमें, वोटर्स लिस्ट के अंदर। नॉमिनेशन ऑफ द, सी
वोटर्स लिस्ट के साथ साथ में ना एक चीज और है, अभी पहले आपको क्या पहचान पत्र मिलेगा जिसको एपिक बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फोटोग्राफ आइडेंटिटी, ठीक है। सो एपिक आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, इलेक्ट्रल फोटोग्राफ आइडेंटिटी कार्ड इलेक्शन, ठीक है। तो एक आपको कार्ड मिलता है, वोटर्स कार्ड मिलता है, वोटर आईडी जिसको बोलते हैं, वोटर आईडी। लेकिन बहुत सी जगह क्या है कि आप बिना वोटर आईडी के भी, अगर आपके पास में आपका कोई पहचान पत्र है, आधार कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, इससे भी आप क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो। नेक्स्ट कम नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। नाउ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स क्या होता है कि यहाँ पर एक बात बोल गई पहली, कि जो जिसका नाम वोटर आईडी में है, वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, वो क्या कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। इलेक्शन को क्या कर सकता है, कॉन्टेस्ट कर सकता है, जिसका भी नाम वोटर आईडी में। बस वोटर लिस्ट के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए, 18, और इलेक्शन लड़ने के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए, 25। फिर यही डिफरेंस है, ठीक है। देयर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स एक्सेट्रा, बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। पार्टी नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। मान लो